ये कॉन्सेप्ट अराइज कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट मिलता है, कभी सोचा है या कभी पढ़ा हो लॉ ऑफ बेल कहाँ से डेवलप हुआ है? पहली दफा ब्रिटेन से डेवलप हुआ, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से डेवलप हुआ है। अगर मैं कहूँ कि ठीक है, वहाँ वहाँ पहुँचते पहुँचते मेडिवल एरा खासतौर पर काफ़ी इवॉल्व हो गया, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है, अगर ये बिफोर क्राइस्ट, अगर मैं कहूँ कि बिफोर क्राइस्ट रोम से रोम और ग्रीस से देखा जाए, वो जो क्या उसका नाम था, हाँ वो जो था, अच्छा 388 BC बिफोर क्राइस्ट, सोक्रेटिस और प्लेटो का नाम सुना हुआ है, क्या रिश्ता था इनका, स्टूडेंट टीचर का। तो जब सोक्रेटिस, ये सोक्रेटिस ही था ना जिसके मतलब कहा जाता है जहर का प्याला मिला था सुकरात में, और प्लेटो शायद बुकरात कहलाते हैं, अरस्तु अरिस्टोटल है, प्लेटो बुकरात हम कहते हैं उसे। तो प्लेटो ने सोक्रेटिस को छुड़वाने के लिए, प्लेटो ने सोक्रेटिस को रिलीज करवाने के लिए सिक्योरिटी देने की कोशिश की थी उस वक्त, कि ठीक है आपने इसको सजा तो देनी है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको अब हिस्ट्री में, लेकिन ये अभी तक कहीं नज़र नहीं आया कि कोशिश तो उसने की थी, क्या उसकी एफर्ट कामयाब हुई थी या नहीं हुई थी, ये हमें इसके मुतालिक ब्लैंक है, लेकिन उसकी एफर्ट ज़रूर थी। इसका मतलब है कि उस वक्त भी ये चीज़ जहन में थी कि किसी शख्स को जो जेल में बंद है या कैद में है उसको रिलीज़ किया जाता है, उसने कहा कि जी मैं गारंटी देता हूँ, किसी चीज़ की सिक्योरिटी देता हूँ, गोल्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, या मैं इसकी जगह आ जाऊँगा गरीब। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो रिलीज़ किया गया या नहीं किया गया, मेरा ख्याल नहीं किया गया। तो ब्रिटिश हिस्ट्री मेडिवल एरा, सर उसने खुद ही मना कर दिया था रिलीज होने से, उसने खुद ही मना कर दिया था, ये हमें आंसर देखे आ गया। इसका मतलब है उसने तो कोशिश की, प्लेटो ने कोशिश की कि सोक्रेटिस को मैं जेल से रिलीज करवा लूँ, लेकिन सोक्रेटिस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी मैं नहीं, मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता।